वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड 2। ये है सैमसंग F62। जब ये लॉन्च हुआ था इसकी प्राइस थी लगभग 24,000 रुपये और ये मेरे पास में 6128 वाला वेरिएंट। इससे मैंने बाय किया था 21,500 में, तब मुझे डिस्काउंट मिला था इसके ऊपर और मैंने इसे बाय कर लिया था। उसके बाद में बहुत सारी सेल आई फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के ऊपर, तो ये 20,000 से नीचे जा चुका था लगभग 17 या 18,000 के आसपास। और अभी फिर से एक सेल चालू है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। बहुत सारी ऑफर चल रही है लेकिन इसके ऊपर आपको फिर से एक ऑफर देखने मिलती है। अब इसकी प्राइस फिर से अगेन हो चुकी है 18,000 रुपये। इसका जो बेस्ट वेरियंट है उसकी 628 वाले की। अब इसके ऊपर अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो ICICI का डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे आपको और 800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप जैसे ही कार्ड को अप्लाई करोगे तो ये फ़ोन हो जाएगा 17,250 रुपये का। तो क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए सेल के अंदर? सेल जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज है 24 जुलाई, और जो प्लस मेंबर है उनको आज से एक्सेस मिल जाती है। जो लोग प्लस मेंबर नहीं है उनको मिलेगी कल से एक्सेस, यानी कि 25 जुलाई से लेके 29 तारीख तक ये सेल चलेगी। अगर आपको बाय करना है तो कल जैसे ही सेल स्टार्ट होती है आपको फटाक से बाय कर लेना चाहिए, बाद में कभी भी इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। ओके, अब बात ये नहीं आती है, बात क्या आती है कि इसे बाय करें या ना बाय करें। एक्चुअली में इसे मैं लगभग 3 से 2.5 दिन में इसे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में यूज़ किया है और बहुत रगड़ रगड़ के यूज़ किया है, तो बहुत सारी बातें मुझे इसके बारे में पता है। तो एक्चुअल में इसे क्या बाय करें या ना बाय करें, और अगर बाय ना करें तो इसके अलावा इस रेंज के अंदर यानी कि 18,000 में 17,000 में कौन से और ऑप्शन है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो बात करें इसको बाय करने की, तो जो प्राइस चल रही है ना 17,250, या फिर अगर आप कार्ड नहीं भी अप्लाई करते हो, आपके पास में अगर कार्ड नहीं भी है तो आपको मिलता है 18,000 में, तो क्या ये बेस्ट डील है? यस, डेफिनेटली आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सैमसंग का ये फ़ोन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। अब देखो कि ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है, तो जानते हैं सबसे पहले इसके क्या क्या प्रॉज है, यानी कि एक्चुअल में इसके रीज़न क्या है इसे बाय करने के, यानी क्यों अच्छा है ये स्मार्टफोन, और बाद में जानते हैं कि इसके कॉन्स क्या है जिसकी वजह से आप इसे जो है वो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, और एक्चुअल में अगर आप इसको नहीं बाय करना चाहते तो इसके अलावा आपको कौन कौन से और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं 17 से 18 के रेंज के अंदर, तो वीडियो बिल्कुल पूरा और ध्यान से देखना। तो प्रोस की बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या अच्छा है इसके अंदर, तो ये जो स्मार्टफोन है सबसे अच्छा है इसमें आपको देखने मिलता है इसका डिस्प्ले, जो कि 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले, जो कि सच में ऑसम है, सच में कमाल का है। आप जो भी वीडियो कंटेंट देखोगे, यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, मूवीज देखो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई फ्लिकरिंग का इश्यू नहीं है, इसमें आपको जो भी ब्राइटनेस का इश्यू नहीं आएगा, टच में कोई इश्यू नहीं आएगा, और इसका डिस्प्ले आपको देखना है बहुत ही कमाल का है, विविड है, ब्राइट है, पंची है, तो यहाँ पे नो डाउट कि पैसा वसूल डिस्प्ले आप इसे बोल सकते हो। इसमें आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, 64 का मेन प्राइमरी कैमरा, 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का डेप्थ और 5 का माइक्रो कैमरा, और जो सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का है। और बात करें इसके 4K रिकॉर्डिंग की, तो आपको इसमें रियर और सेल्फी कैमरा में 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, तो आप यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि कैमरा क्वालिटी और साथ ही में कैमरा के जो ऑप्शन है, ये जो फंक्शन है, फीचर्स है, वो आपको बहुत सारे देखने मिलते हैं। जैसे कि आपको इसमें प्रो वीडियो रिकॉर्डिंग यानी प्रो वीडियो मोड देखने मिलता है, जो कि फोटो और वीडियो में काम करता है, साथ ही आपको वीडियो पोर्ट्रेट मोड भी देखने मिलता है, यानी कि आप बैकग्राउंड ब्लर वाली जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे बैकग्राउंड में पूरा ब्लर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। बहुत सारे आपको इसमें कैमरा के ऑप्शन देखने मिलते हैं, सिंगल टेक वगैरह, और यहाँ पे कैमरा क्वालिटी सच में इसके प्राइस के हिसाब से सच में ऑसम है। अगर बात करें 18 से 17,000 के रेंज की, तो यहाँ पे कोई भी और ब्रांड आपको ऐसे कैमरा क्वालिटी या फिर ऐसे ऑप्शन नहीं देता जो कि आपको देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे कैमरा प्राइस के हिसाब से सच में ऑसम है, और मुझे लगता है कि इसकी कैमरा क्वालिटी मेरे हिसाब से जितना मैंने इसे ट्राई किया आपको अच्छी और सेटिस्फाइड देखने मिलेगी। तो कैमरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है, इसका जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो इसका कैमरा। तीसरा रीज़न है इसको बाय करने का, वो है इसकी बैटरी। इसकी जो बैटरी वो है 7000 mAh की, और जो चार्जर है 25 वाट का। अब यहाँ पे सैमसंग जनरली 15 वाट का चार्जर देता है, लेकिन इसमें आपको 25 वाट का मिलता है, जो कि यहाँ पे लगभग 0 से 100% 2 घंटे में पूरी चार्ज कर देता है बैटरी को। जो बैटरी का बैकअप है वो डिसेंट है, यानी कि आपको लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा हैवी यूज़ करने के बाद, आपको 1 दिन तो ये चली जाएगी, पूरी डिटेल में चली जाएगी। इसका जो स्क्रीन टाइम है मुझे लगभग 11.5 घंटे तक मिलता है मुझे, और मैंने इससे अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद भी बैटरी ठीक ठाक मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे पिछले कुछ इशू के साथ में अभी बैटरी को गड़बड़ी हो चुकी थी अपडेट के बाद, लेकिन अभी जो नई अपडेट आई उसके साथ में यहाँ पे बैटरी जो है ठीक ठाक चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है, तो बैटरी भी आपको इसमें अच्छी खासी देखने मिल जाती है, कोई इशू नहीं आता। तो यहाँ पे ये तीसरा रीज़न था बैटरी को लेकर के। चौथा इसका बहुत ही बड़ा जो रीज़न इसे बाय करने का, वो है इसकी One UI, यानी कि बहुत ही कमाल की, स्मूथ है, क्लियर है, क्लीन है, जो कि यहाँ पे One UI 3.1 के साथ में रन करता है। बाद में इसमें आपको 3.5 और 4.0 भी देखने मिलेगी, क्योंकि एलिजिबल है, इसमें आपको लगातार 3 OS की अपडेट देखने मिलने वाली है। और ये जो One UI, ये कोर नहीं है, ये
फुल्ली वन यू आई आपको इसमें देखने मिलती है। इसमें आपको जो नॉक सिक्योरिटी वो भी आपको फुल्ली देखने मिलती है, यहाँ पे आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। साथ में यहाँ पे इसमें आपको सैमसंग पे का सपोर्ट है, फुल्ली सैमसंग पे का सपोर्ट, NFC का सपोर्ट भी है, और यहाँ पे आपको जो तमाम फीचर्स है, गुड लॉक वगैरह आपको सब कुछ देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई भी UI के अंदर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ देखने नहीं मिलता, और ये रन करता है एंड्रॉइड 11 के साथ में, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। UI के अंदर बहुत ही कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ पे नो डाउट कि आपको सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगी, जो कि है इसमें आपको वन UI के साथ में नॉक सिक्योरिटी मिलती है। इसमें आपको सिक्योर होल्डर मिलता है, इसमें आपको एज पैनल, एज लाइटिंग, आपको सब कुछ ये फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे फीचर्स है, अगर प्राइस के हिसाब से बात करो तो। इसमें कॉन्स की बात करें तो वो कॉन्स क्या है, तो कॉन्स जो है वो है इसका बैक पैनल, जो कि बहुत ही चीप है, जल्दी क्रैचेस ले लेता है, लेकिन आप इसे ढक सकते हो कवर के साथ में, तो बाद में आपको इशू नहीं आएगा, तो ये बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर बात करें और दो मेजर कॉन्स की, तो वो इसका प्रोसेसर जो कि Exynos 9825, तो यहाँ पे ये कब दिक्कत देता है, जब आप डेली टास्क करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आप जो भी काम करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वीडियो देखो, वॉच करो, कुछ भी करो, आप जो भी डेली टास्क करोगे आपको बहुत ही अच्छा आपको स्पीड मिलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू था, अभी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें गेमिंग की, आप जैसे गेमिंग के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आपको देगा। तो यहाँ पे इसमें भले सेटिंग आपको हायर मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे गेमिंग अच्छी देखने नहीं मिलेगी, और गेमिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीटिंग करता है, थ्रोटलिंग करता है, और यहाँ पे बहुत ही गंदी गेमिंग होती है। तो आपको लगता है कि भाई 18,000 में आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली डोंट बाय, आपको गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। आपको मैं और भी स्मार्टफोन बताऊंगा गेमिंग के लिए वो कौन से है, ओके। तो गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ही घटिया है, Exynos 9825 बहुत ही गंदा परफॉर्म करता है गेमिंग के हिसाब से, बाकी अदरवाइज यहाँ पे इसमें कोई भी इशू नहीं आता। आप कुछ भी काम करो, इसमें आपको ऐसे इशू देखने नहीं मिलते, ओके। दूसरा जो कौन सा, इसके अंदर आपको नहीं मिलता 4G प्लस का सपोर्ट। सैमसंग ने एम सीरीज और एफ सीरीज में यहाँ पे 4G प्लस का सपोर्ट नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ा कौन सा मुझे लगता है। यहाँ पे ऐसे इशू नहीं आता है, लेकिन आप ऐसे एरिया में रहते हो, ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे आपको सही से नेटवर्क नहीं मिलता, कवरेज नहीं मिलती, तो अगर वहाँ पे अगर आप 4G प्लस का सपोर्ट नहीं रहता है, तो वहाँ पे नेट का स्पीड बहुत ही कम आता है, और आपको बहुत सारे नेटवर्क के इशू फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर मेजर सिटी में रहते हो, जहाँ पे आपको नेटवर्क सही से मिलता है, आपको कवरेज अच्छी मिल जाती है, तो आपको इशू नहीं आता। 4G प्लस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको नहीं पता 4G प्लस क्या काम करता है, कैसे इंपैक्ट डालता है आपके नेट के स्पीड के ऊपर, नेटवर्क कैसे मिलता है, और क्या इशू होता है अगर 4G प्लस होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल वीडियो दे रखी है, उसका मैंने लिंक भी दे रखा है, आप देख लेना कि 4G प्लस एक्चुअल में क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ओके। तो इसमें ये मुझे कॉन्स लगा कि इसमें आपको 4G प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे एक कॉन्स हो सकता है। जो लोग यहाँ पे वीक कवरेज एरिया में रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में सही से नेट का स्पीड नहीं मिलता पहले से, या फिर नेटवर्क सही से नहीं मिलता, या फिर कवरेज सही से नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसे थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4G प्लस का सपोर्ट ना होने की वजह से आपको स्पीड थोड़ी सी फ्लक्चुएट देखने मिल सकती है। हालांकि इसका भी मैंने सोल्यूशन दे रखा है, अगर आपको ऐसे कुछ इश्यू आता है इसमें, तो यहाँ पे आपको सिंपल से मेरी एक वीडियो वॉच करनी, जो कि है सैमसंग बैंड सिलेक्शन करके, तो आपका जो नेटवर्क का इशू सॉल्व हो जाएगा। हालांकि सोल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको देखना है थोड़ा बहुत आगे, अगर आपको लगता है कि भी नेटवर्क का इशू आ सकता है, तो आप थोड़ा बहुत इसको सोच समझ के ले सकते हो। तो मुझे दो कॉन्स देखने मिले, जो कि सबसे पहला इसका गेमिंग परफॉर्मेंस, और दूसरा इसका 4G प्लस का ना होना। लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ पे आप अगर सही से कवरेज ना हो, नेटवर्क ना मिलता हो, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे सकता है, अदरवाइज ऐसे कुछ इशू नहीं आता। अगर आप थोड़े से अच्छी जगह पर रहते हो, जहाँ पे स्पीड अच्छा मिलता है, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, टावर आपकी रेंज अच्छी है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़ी बहुत इशू था, मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसे बाय करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो यहाँ पे इसके अलावा कौन से आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं, तो पोको का X3 Pro, जो कि यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन 860 के साथ में, यहाँ पे इसमें आपको IPS का डिस्प्ले मिलता है, जो कि है 120 हर्ट्ज के साथ में, जो कि एक फुल HD प्लस का पैनल है, 6.67 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओके कटआउट के साथ में। तो यहाँ पे आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की और धमाल की मिलने वाली है। प्राइस आपको मिलती है लगभग 19,000 रुपये, लेकिन आप अगर इस ऑफर में लेते हो, तो आपको ये स्मार्टफोन लगभग 17 से 18 के आसपास मिल सकता है। आपको इसके ऊपर 1750 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ओके। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपका बजट इतना है, तो ये गेमिंग के लिए। अदरवाइज यहाँ पे जो भी टास्क करोगे, तो उसमें भी अभी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। इसमें आपको बस डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड नहीं मिलता, और नॉक सिक्योरिटी वगैरह आपको नहीं मिलेगी, सैमसंग का ट्रस्ट जैसे था वैसे नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको ये भी स्मार्टफोन बाय नहीं करना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि है IQOO Z3 5G। 5G स्मार्टफोन है, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 768G का चिपसेट, जो कि बहुत ही पावरफुल है। प्राइस के हिसाब से आपकी गेमिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो है एक IPS LCD फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। तो गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, और आपका बजट 20,000 से कम है, तो Z3 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो सब कुछ बातें मैंने बता दी आपको, कि एक्चुअल में क्या अच्छा है इसमें, क्या बुरा है, इसे क्यों बाय करें, क्यों ना बाय करें, साथ ही में अभी आपके लिए गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, यानी कि इसके अलावा आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने मिलते हैं। लेकिन फाइनल अगर मेरी बात सुनो, यानी मेरी राय क्या होगी, तो अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, अगर आपको सैमसंग का ब्रांड चाहिए, आपको ट्रस्ट चाहिए सैमसंग के जैसा,
सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत ही कमाल की चाहिए। आपको सैमसंग की वन यूआई चाहिए जो कि बहुत ही क्लीन है, स्मूथ है और सिक्योरिटी बहुत ही अच्छे लेवल की मिल जाती है आपको। और आपको सैमसंग के जो अदर फीचर्स मिलते हैं जैसे एच पैनल या फिर सैमसंग पे का सपोर्ट, गुड लॉक वगैरह, आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स चाहिए। और साथ ही आपको बहुत ही अच्छा कैमरा इस प्राइस के हिसाब से, बड़ी बैटरी चाहिए, आपको चाहिए बहुत ही अच्छा ऑसम डिस्प्ले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको देखना है गेमिंग के लिए नहीं चाहिए। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी तो फिर आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो सकता है। और आपको 4G प्लस ना होने से कोई दिक्कत नहीं है आपके एरिया में, जो रेंज और कवरेज बहुत ही अच्छी मिलती है, तो फिर आपको 4G प्लस का यहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ये आपके लिए फ़ोन बहुत ही बेस्ट हो सकता है, प्राइस बहुत ही अच्छी है और आप इसे बाय कर सकते हो। इस ऑफर को बिल्कुल मत छोड़ना अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगता है तो। अगर आप गेमिंग ना करते हो तो इसे बाय कर सकते हो, ओके। और आपको गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे X3 Pro या फिर वीवो का, इन्हें वीवो आईको दोनों एक ही है, तो जो आईको का Z3 5G वो आप इसे बाय कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप आईको Z3 से अच्छा अगर आप X3 Pro कर लो तो आपकी गेमिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा हेवी बल्कि फ़ोन है और वो अगर आपको हेवी बल्कि लगता है तो आप डेफिनेटली आईको तरफ जा सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट बन सकता है। तो अगर आपको प्राइस के हिसाब से देखना है तो आप वो दोनों फ़ोन के अंदर से किसी को बाय कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो आपका बजट है 20,000 से अंदर अंदर, तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको गेमिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको गेमिंग चाहिए तो फिर आपको जो है सैमसंग की सिक्योरिटी या फिर जो भी आपको प्राइवेसी हो या फिर सुपर एमोलेड का डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो, जो भी वन यूआई, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब रही बात 4G प्लस की वगैरह, तो वो आपको जो है वो आईको फ़ोन के अंदर या फिर X3 Pro में आपको मिल जाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और अभी आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है, ये वाला या फिर पोको X3 Pro या फिर आपको आईको Z3 जो कि 5G वो बाय करना है, आप अपने हिसाब से सोच लेना, ओके। बस इतना, बाय बाय दोस्तों।